बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर से करेंगे। असम में 3 बीजेपी प्रत्याशी और बंगाल में 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। असम में हेलागाडी से मिलन दास और सीपाझार से परमानंद को टिकट दिया गया है। असम के होजाई से रामकृष्ण घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर बंगाल में खड़गपुर सदर से हिरण्मय चट्टोपाध्याय और बरजोड़ा से सुप्रीति चटर्जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, जेपी नड्डा और इसके साथ ही 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो बीजेपी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और असम में 3 बीजेपी प्रत्याशी और उसके साथ ही बंगाल में 2 प्रत्याशी की सूची जारी की गई है। और आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी प्रचार करेंगे। इधर आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते भी अपना पसीना बहाएंगे। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए ये स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम में प्रचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश को भी एक बड़ी जिम्मेदारी इन चुनावों में सौंपी गई है। News@ शरद द्विवेदी जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, असम में 3 बीजेपी प्रत्याशी और बंगाल में 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की भी सूची बीजेपी ने जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश से ही आने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हो या फिर मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक और HM गृह मंत्री मध्य प्रदेश के और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये तीनों हम देख रहे हैं कि बीते लंबे समय से अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, खासतौर से मध्य प्रदेश से जो करीबी रिश्ता रखने वाले राज्य हैं, वहां निरंतर सितारा प्रचारक के तौर पर चुनाव में दायित्व निभाते रहे हैं और इसी त्रयी को फिर जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के बाद असम की भी मिली है। और असम में ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी सभाएं लेकर समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय राजनीति में, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो खासा मजबूत है जी। इसमें एक चेहरा जो अभी रिसेंटली बीजेपी का हिस्सा हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक नाम है जिनका उपयोग करने पर पार्टी निरंतर चिंतन और विचार उनका भी होगा। लेकिन ये तीनों नेता निश्चित तौर पर अपनी वक्तृत्व शैली, अपनी भाषण कला, अपनी संगठनात्मक क्षमता और अपनी एक वरिष्ठ नेता की हैसियत के चलते बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए इनकी डिमांड बराबर आती है। और उसी कड़ी में अब ये तीनों नाम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, फिर ये जिम्मेदारी निभाते हुए हमें दिखेंगे इन 5 राज्यों के चुनाव। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को सौंपी गई है, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद द्विवेदी जी हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि असम में 3 बीजेपी प्रत्याशी, बंगाल में 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस लिस्ट में शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रचार करेंगे और आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते भी असम में मैदान में उतरेंगे।